मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक जगह पे अगर हम नीटी ग्रिटी में जाएंगे तो फिर जाना ये चीज़ नहीं, नीटी ग्रिटी नहीं है ये, नीटी ग्रिटी बिल्कुल भी नहीं। अब ये दरमियान में जो है ना, तो हमने इधर बाहर बैठकर देखिए, जीएसटी सर, जीएसटी नहीं कभी भी काउंट होती, कटी थी इधर जब हमने बाहर। नहीं 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 सर, जीएसटी में जीएसटी कभी भी काउंट नहीं होती। आपने खुद कहा कि जनाब इसने किस तरह मेरा जीएसटी लग रहा है, इनकम टैक्स सर, इनकम टैक्स जीएसटी सेपरेट। अरे इनकम टैक्स का बात नहीं, एक टैक्स की बात है, दो टैक्स है ना सर, पूरी कार्ड ले देनी भी है। देखो मेरी बात सुनो, हमने उसी के अगर आप जी एस टी मुझे जी एस टी अगर जी एस टी सरकार मुझे देती है फिर तो मैं आपको दे, तो सरकार देती है जी एस टी होती कितना है, 15-16% होती है, 16% सिंध की 13%, पंजाब की 15%, फेडरल की 17%, यहाँ की 16%। हर एक प्रोवेंस में यार देखो, वो तो हम जो है ना इस चीज़ को देखेंगे कि वो जो 15% है वो आपसे उस अमाउंट पे काटी जा रही है कि जो टोटल है, या उस पे काटी जा रही है कि जो, वो तो फिर आपको वो पैसे आ ही नहीं रहे। हाँ वो आ ही नहीं रहेगा, तो फिर अगर जो वो आपके पास नहीं आएंगे उस, हाँ बिल्कुल, वो तो मैं सर एक एक चीज़ का पाकिन, अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर आप कहते हो 15% उसमें जी एस टी कटती है या 16% कटती है, ये तो फिर जो है ना वो एक अजीब किस्म का है। उस दिन आपने 2% का हमें कहा था कि मुझसे टैक्स कटेगा, बिल्कुल वो जो टैक्स होता है वो होता है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो होता है वो अलहदा होता है। क्या तो जीएसटी किधर आपसे कटेगी? हाँ मैं बताता हूँ, अब जिस तरह ये टेलीविजन का हमने बनाया सर, ठीक है, इसकी जब इन्वाइस आएगी मैं आपको और समझा दूँगा उसमें। अब एस्टिमेटेड जीएसटी जो है ये 15% डाली हुई है, एस्टिमेटेड जीएसटी, दैट इज नॉट अ 100% जीएसटी, किसी की 13 आएगी, किसी की 16 आएगी, देखो ये तो हम चेक कर लेंगे ना। हाँ जी एस टी मेरी बात सुनो, अगर ये जी एस टी की बात कर रहे हो, मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैं जहाँ का मैं बताता हूँ, मैंने उनको भी बता दूँ, ये देखिए सर, ये मैंने पूरा मीडिया प्लान किया था, लेकिन कोई मसला नहीं है सर, मैं बोलता हूँ आप देख लीजिएगा, नहीं कटी तो मैं आपको दे दूंगा, दो नहीं फिर 10% दूंगा, अगर नहीं कटी ना तो 10% दूंगा, ये भी मैं आपको कमिटमेंट कह रहा हूँ, ठीक हो गया सर? नहीं ये इसको ये नहीं, आई एम टेलिंग यू वेरी राइट, बिकॉज वो अगर नहीं कटेगी तो मैं ज़्यादा दूंगा उसको लोगों। नहीं तो जी एस टी के किस पर ये अचानक ये बात कहाँ से आ गई सर? एक चीज़ जो है वो मैंने तो नहीं अपने खुशवाई, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको दिया 10 करोड़, आपने 10 करोड़ के अंदर अंदर जो है उस बजट को कंज्यूम करना ला के उसके जी एस टी अमर अनुभव कभी भी नहीं होता। जी एस टी इंक्लूडेड टू इंक्लूसिव, इंक्लूसिव ऑफ जी एस टी और इंक्लूसिव ऑफ जी एस टी, दी आर देर आर टू टर्म्स। वो तो हम पूछेंगे ना, डिपार्टमेंट से पूछेंगे कि ये जो आप पैसे दे रहे हो इस पे जी एस टी का क्या है। हाँ वो पूछेंगे, आपको जो टैक्स वो जाएगा क्या वो जी एस टी के साथ जा रहा है या उसके अलावा? वो अकाउंट्स ऑफिसर से ना जिस दिन आप बुला के ना उसे पूछ लीजिए, जो चैनल की जी एस टी होती है क्या करते हैं आप, कार्ड लेते हैं सरकार में जमा कराते हैं, चैनल को देते हैं? देखो उस पर मैं आपको बता दूँ, अगर जी एस टी के ऊपर बात होगी इस पर फिर कल मैं क्लैरिटी लूँगा। ले 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 ले, देखो ये अगर रोजाना के हिसाब से ये नई नई चीज आएगी। नहीं 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 सर, ये शीट है हमारी जिसपे हम बैठ के बात करते हैं, और मैं आपको इसको टैली करा, इस अमाउंट को टैली कराया करूँगा वर्कआउट के साथ, ठीक हो गया सर? इन अमाउंटों को मैं टैली कराया करूँगा वर्क ऑर्डर के साथ, आपको सर ये वर्क ऑर्डर आ गया, एक वर्क ऑर्डर की कॉपी आपको भी दे दूँगा सर, आपको दे दूँगा, ठीक है? हर चीज़ आपके पास ही होगी सर। अभी तक जो प्लान हुआ हुआ है उस हिसाब से सर, अब अगली जो अमाउंट है वो 3.5 करोड़ रुपये का, हाँ ठीक हो गया, जिसमें 4 दिन का जो टीवी प्लान किया गया उन्होंने, मैं उसे अभी नहीं छेड़ रहा सर, लेकिन आप मुझे बताएंगे हाँ यार अब क्या करना है,
तो उस प्लान के अंदर मैं अपने आप से करूँगा तो मेरा ट्रस्ट शेक होगा, यानी कि सेफ्टी साहब और वो आपको पता है मेरा मन सब भी है, और मैं कुछ कर दूंगा तो वो कहेगा यार आपने किस तरह चला दिया, आई कैन नॉट डू दैट। देखो ये दुआ करो कि सेफ्टी साहब को कोरोना वायरस उसने टेस्ट दिया है, अगर वो हो गया तो ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सेफ्टी साहब दो चीज़ों की तो आज अप्रूवल दे गया सर, रिटर्न दे दी, नहीं रिटर्न नहीं, हमने कहा यार ये आप दो ना गो आपके सामने नहीं आए गो है किस किस रेडियो की, सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया की और आउट ऑफ होम की, यू कैन आस्क ये टोटल कितने हैं उसके, ये है सर 2,15,70,000। ये उसने आपको दिए? हाँ उनने कहा यार ये और ग्रेड आ चुका। ये टोटल कितने बनते हैं 2,15,70,000 कितने बनते हैं? ₹25,88,000 और वो उस पर कितना बनता है टोटल पे? ₹42,00,000। अगर ये एज इट इज, एज इट इज, इसके बाद तकरीबन ढाई कुछ 2,40,00,000 का बजट बच जाएगा। जो हो चुका है उसमें तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो आगे है उसमें मसला करें वो तो उसकी तौर पर जो है ना वो तो फैसला उसे क्या बताना पड़ेगा सर, हटाना पड़ेगा। अच्छा हाँ तो सर दैट्स योर कॉल सर, दैट्स योर कॉल, और मेरा ख्याल है कि सर थोड़ा सा तो आप उसको लेना इसके अंदर इमरजेंसी के अंदर, ही इज इमरजेंसी। आपका यार इसके बारे में क्या ख्याल है शम्स के बारे में? वो बंदा ठीक है वो, ये मैंने भी एक खानदानी आदमी है ना, कहने का मतलब ये शरीफ आदमी है बिल्कुल, यानी कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन वो बंदा वो ठीक है। वैसे मैंने उसको वो परसों बुलाया था, उसको बुलाया मैंने उसके साथ, लेकिन उन्होंने उस दिन मुझे लिखनी कहा, उन्होंने कहा यार कि ये बहरा मन को तुम्हारे साथ क्या मसला है? मैंने कहा सर मेरा तो कुछ भी मसला नहीं है। उन्होंने कहा यार व्हाई ही इज क्रिएटिंग ट्रबल। अब कल उसने फिर जो है ना बहरा मन ने वो जानबूझ कर उसको वो किया, नजी ने वो टीवी को टेलीफोन किया, टीवी वाले का मुझे फ़ोन आया, उसने मुझे कहा सर आपसे अप्रूवल लेनी है। मैंने कहा किस चीज़ के अप्रूवल? कह रहा वो नजी ने टेलीफोन किया है कि वो, मुझे तो पता था कि नजी को इसने कहा होगा, नजी कौन है प्राइवेट आदमी है कि जी कल वजीर सेहत का प्रेस ब्रीफिंग यही हुआ है। मैंने कहा मुझे अप्रूवल लेने की क्या ज़रूरत है, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने करनी है तो पूरी मीडिया को बुलाए, आपकी टीवी भी जाए, सबका सवालों का जवाब दे। बल्कि सर आप अगर वाने, मैंने कहा कि वो उस तरीके से करना चाहे तो मैंने कहा उसका वो है, मुझे पता चला कि ये पीछे जो है ना ये, और इस पे जो है ना मैं बिल्कुल अभी इस चीज़ पे पहुंचा हूँ, लेकिन ये है कि इसको इसकी जान जा रही है इस जगह से हटाने की। सर मैं तो आपको बता रहा हूँ ये सर, आपको पता है कि ये मुझे जो रिपोर्ट मिली है टिक टॉक का सही जैसे होता है, मैं आपको बता, और इधर जो उसको वो इस तरह का बंदा नहीं है जिस तरह का ये है, उसकी एक तो वो है हद है, हालांकि यार मैंने उसके वो उसको भी जाना था दुआ तो भी। सर कल आप जो है वो करें
क्योंकि इसके आपके पास पूरा प्रायोरिटी है, आपको बिना का कोरोना वबा फैली हुई है, 5-6 दिन लगाए फिर हमने बिलिंग करनी है आगे। मैंने आपको यही तो कह रहा हूँ, कल मैं आ जाऊँगा, आप मुझे कह दीजिए आ जाओ, पूरा प्लान करके उन्हें करें, कल मैं लेके आता हूँ, कल चीज़ें लेके आ रहा हूँ। मैं तैयारी कर, मेरी तैयारी कल मैं जो मुकम्मल कर लूँगा तैयारी। मेरी बात सुनो, तुम अपनी तैयारी करके कल आ जाओ, ठीक हो गया, अपनी तैयारी फुल फ्लैश करके आ जाओ और ये सारी चीज़ें, और उसके बाद जो है ना मैं फिर आपको वो करता हूँ कि उसका क्या तरीका करो, ठीक हो। लेकिन एक काम है, देखो मसला ये है कि मुझे सेक्रेटरी साहब को ये बताना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसमें से मैंने तो सिर्फ टीवीसी का आपको कहा है कि यार इसमें ये करो, इसमें ये करो, मैंने आपको ज़्यादा करवा दिया, कम थे ना, और मैंने जेन्युइन करा। आप सेक्रेटरी साहब को सिर्फ ये लक्ष्य कहेंगे ना सर, आप सिर्फ ये सजेशन देंगे ना सर कि जो मिनिस्टर हेल्थ की मीडिया के साथ तकरार हुई है, ठीक हो गया, इस जो एक क्या नाम है जर्नलिस्ट मरा है जो कोरोना से, तो इस टाइम पर हमें मीडिया के अंदर थोड़ा सा बूस्ट करना पड़ेगा, हमारे पास फंड पड़ा हुआ है यार, तो बता देना जाएंगे ये बात का तो मसला नहीं है कि मैं उसको ये को, तो मेरे कंट्रोल में है, मीडिया का मसला मुझे नहीं है उसका ना, उसके वो है, मैंने सिर्फ ये देखना है कि इसमें वो सारी चीज़ें भी कवर हो और उसका इम्पैक्ट भी आए ना सर। अगर ना आया ना घरे बहुत से पकड़िएगा साथ में, तो यकीन यार देख अभी तक बट मुझे टीवी चैनल हाँ जो जो मैसेज मुझे बेरामन ने दिखाया था वो इसका दिखा रहा हूँ। अच्छा ठीक हो गया, तो तभी तो कल वो अब तक वाले को डाल दे, कल तभी तो डलवाया उन्होंने, कल अब तक वाले को डाल दे, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब वो उसके साथ डिस्कस कर रहा होगा, ये तो सारे हमारे दोस्त भी है, लेकिन ये तो एक नंबर के चूकी वो जो है ना बेरामन जैसे बंदे के साथ जो है ना फिर वो बात कर लेते हैं, बेरामन फिर उनको कभी इधर चढ़ा देते हैं, कभी इधर चढ़ा देते हैं। वैसे आपको कह रहा था कि आपको वहाँ पे सेक्रेटरी साहब को भी समझनी है, उसने भी डिस्कस करना शुरू कर दिया, तो भाई कम अज़ कम यार थोड़ा सा तो एहतियात करो ना, तो हम बाद में मिल लेते हैं। मैंने उस वक्त भी आपको इशारा किया कि हम बाद में मिल लेते हैं, ओपनली इस चीज़ को डिस्कस न करें, तो वो फिर पूछते हैं ना। मैंने किस तरीके से आपकी वो करके मैंने कहा कि नहीं यार वो तो बंदे तो ये ठीक है, फिर मैंने वो बलाश का कहा, मैंने कहा देखो यार वो बड़ा ठीक ठाक लड़का है, उसने बड़ी अच्छा वो है भी अच्छा, उसने बसों की बड़ी अच्छी वो कर रहा था, लेकिन यार देखो कल अपने आप को तैयार होकर ले आओ, ठीक हो देखो क्या उसके बाद हम इस पे मीटिंग करते हैं ताकि इन चीज़ों के आपको अप्रूवल मैं दिला सकूं। डन हो गया सर, लेकिन एक चीज़ फिर वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कल टीवी वालों के इस दफ़ा जब मैं इश्तियार दूंगा ना टीवीसी बकाया नहीं, टीवीसी का मैं आपको बता रहा हूँ, टीवीसी मेरा शर्त ये होगा कि मुझे ये मेन लोग सारे फोन करें, बस डन हो गया। तो उसका वो तो पता तो चलेगा यार सर, अब उसमें मैं फिर कहता हूँ एक बंदा हमें सर दे दें जो हमें टाइमिंग बता दे, यकीन माने अब आपकी मुझे यकीन माने इस बात से डर लगता है कि आप कुछ कहेंगे उससे पहले ये है कि मैं काम करवा दूँ जी टीम मेरे साथ, ठीक है वो उसका वो तो पता तो चलेगा यार सर, अब उसमें मैं फिर कहता हूँ एक बंदा हमें सर दे दें जो हमें टाइमिंग बता दे, यकीन माने अब आपकी मुझे यकीन माने इस बात से डर लगता है कि आप कुछ कहेंगे उससे पहले ये है कि मैं काम करवा